हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंटेशन में हम सीखेंगे आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। आरएनए साइलेंसिंग डिस्कस करने से पहले सेंट्रल डॉग्मा को बहुत ब्रीफ में समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। जब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमें तीन तरह के आरएनए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल एमआरएनए पर ही फोकस करेंगे। ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा और इसका ट्रांसलेशन होगा तो हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, कुछ खास तरह के प्रोटीन मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स का एक्सप्रेशन प्रोटीन्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स अधिकतर कुछ एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स किसी खास तरह के रिएक्शन को स्विच ऑन कर देते हैं और कुछ खास तरह के प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म में बनना शुरू हो जाते हैं। लैक ओपेरॉन को याद कीजिए, तो लैक ओपेरॉन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया में शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं आरएनए साइलेंसिंग में क्या होता है। अगर किसी मैकेनिज्म से हम एमआरएनए को ब्लॉक कर दें तो अब इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, और अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। इसका मतलब जीन अब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब हम सीखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के मैकेनिज्म के बारे में। यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो अब हमें एमआरएनए के दो ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेंगे, और ये ट्रांसक्रिप्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से बेस पेयरिंग हो जाएगी और एज अ रिजल्ट हमें डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए मिलेगा। अब ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में बेसिस एक्सपोज नहीं होंगे, जिनकी वजह से ऐसे एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और ऐसा डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए साइटोप्लाज्म में एज इट इज स्टे करेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ऐसे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को बनाया ही क्यों जिसका ट्रांसलेशन नहीं होना। इसका आंसर मिलेगा हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के रोल को जानकर। जब साइटोप्लाज्म में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के करस्पॉन्डिंग कोई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाए तो, अब पहले ये बता दें करस्पॉन्डिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसका ट्रांसक्रिप्ट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के किसी भी ट्रांसक्रिप्ट से मैच करता हो। तो ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर साइटोप्लाज्म में आ जाए तो साइटोप्लाज्म में डाइसर नाम का एक एंजाइम एक्टिव हो जाता है, और ये एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देगा। अब इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पर कुछ और एंजाइम्स एक्ट करेंगे और इनकी बेस पेयरिंग को तोड़ देंगे। एज अ रिजल्ट हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं, ये कहीं ना कहीं इस करस्पॉन्डिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्रेटरी रखते हैं। तो जहाँ जहाँ इनको करस्पॉन्डिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिलेंगे, वहाँ वहाँ जाकर ये फ्रेगमेंट्स बेस पेयरिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कोडॉन मास्क हो जाएंगे और ऐसा आरएनए अब अपने आप को साइटोप्लाज्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ऐसा करा क्यों। तो ज़रा सोच के देखिए कि अगर ये एमआरएनए किसी पैथोजन का हार्मफुल जीन का एमआरएनए था, इसका मतलब हमने ऐसे हार्मफुल एमआरएनए को मास्क करके हमने उसके हार्मफुल एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर दिया और उस पैथोजन को कंट्रोल कर दिया। अभी तक आपको आरएनए इंटरफेरेंस की इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम बहुत से प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करते हैं। अब हम देखेंगे कि टोबैको प्लांट में हम मेलियोडिगाइन इनकॉग्निटा के इन्फेस्टेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। मेलियोडिगाइन इनकॉग्निटा एक नेमाटोड पैरासाइट है। पहले मैं आपको बता दूं कि पैरासाइट के सारे जीन्स हार्मफुल नहीं होते हैं, केवल कुछ ही जीन्स डिजीज कॉजिंग होते हैं जिनसे हार्मफुल इफेक्ट मैनिफेस्ट होते हैं किसी भी होस्ट बॉडी में। तो हम ऐसे डिजीज कॉजिंग जीन्स को टारगेट करेंगे
और रिकग्नाइज करके एक्सट्रैक्ट करेंगे मेलियोडिगाइन इनकॉग्निटा की बॉडी से। अब इस तरह से जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है जीन को, इसको हम मैनिपुलेट करेंगे ताकि इसके दोनों स्ट्रैंड्स होस्ट बॉडी में ट्रांसक्राइब हो सकें। ऐसे मैनिपुलेटेड जीन को अब हम होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम के इस्तेमाल से। यह जीन अपने आप को होस्ट बॉडी में एक्सप्रेस करेगा और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना लेगा। यह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होस्ट बॉडी में एज इट इज एग्जिस्ट करेगा। यह पैरासाइट अब जब भी इस प्लांट को अटैक करेगा और अपने डिजीज कॉजिंग जीन को एक्सप्रेस करेगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आरएनए साइलेंसिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट कर देगा, जिसकी वजह से यह पैरासाइट अब होस्ट प्लांट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स प्लीज चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस प्रेजेंटेशन हैज बीन हेल्पफुल प्लीज सजेस्ट अस अदर टॉपिक्स विच पोज यू चैलेंज।